आज का ये कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्षों तक किसी ने भी सुध लेने का प्रयास नहीं किया। 2016 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में ही आकर के गोरखपुर के इसी फर्टिलाइजर कारखाने का शिलान्यास किया था और आज भाइयों बहनों, पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना ये नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बड़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। और अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये लगातार ये माना जाता था कि यहां पे बीमारी है। पहले मलेरिया के कारण, फिर यहां पर काला जार के कारण, इंसेफ्लाइटिस से 40 वर्षों से लगातार मौतें होती थी, हजारों मौतें होती थी। तमाम विषाणु जनित बीमारियों से हजारों मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बनकर के इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। पहली बार देश के प्रति संवेदना और भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में अग्रसर करने के सपने को साकार करने के लिए जिस एक कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग क्षेत्रों में प्रारंभ किया, आज उसकी परिणति है कि गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और आज लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर एम्स का होने जा रहा है।